हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अविनाश पांडे और आप सभी का पांडे यूट्यूबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो होने वाली है वीवो V20 के मोबाइल में जो एक अमेजिंग हिडन फीचर है डायनेमिक इफेक्ट, उस पर ये वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप लोग को कि ये वीवो V20 के फ़ोन में आप जो डायनेमिक इफेक्ट है जो सेटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा उसको अप्लाई कैसे करना है। और दोस्तों, ये जो डायनेमिक इफेक्ट होता है इसको लगाने के बाद आपके वीवो का जो लुक है वो दोस्तों चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपके किसी फैमिली या आपके किसी फ्रेंड का फ़ोन आएगा दोस्तों, तो वहाँ पे आपको एक साइड में एक ब्लिंक करता हुआ एक लाइन दिखेगी, जो कलरफुल लाइन दिखेगी दोस्तों, जो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं साइड में, आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह का कुछ व्यू लगेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देख रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है और यूनिक लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी की सेटिंग के बारे में बात करते हैं हम, और आपको सेटिंग हम पूरी दिखाते हैं कि जो डायनेमिक इफेक्ट है दोस्तों उसे कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अपनी सेटिंग पर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ गए अपने होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे जैसे हम स्लाइड अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको सेटिंग का यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, सेटिंग को ओपन करते ही दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको डायनेमिक इफेक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर देखिए आपको फर्स्ट नंबर पर जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप पे इस तरह का शो होगा, इसको आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आप पे कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों इनकमिंग कॉल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इनकमिंग कॉल को आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है, और यहाँ पे लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल इस पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही आपको देखिए व्यू देखने को आप मिलेगा। काफ़ी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है अपने स्क्रीन को डायनेमिक इफेक्ट देने के लिए। यहाँ पे आप अलग अलग तरह के डायनेमिक इफेक्ट दे सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप कलर पर क्लिक करके कलर भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों, हम इस पर कोई भी अप्लाई कर देते हैं, पर्पल कलर मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे तो आप ट्रांसपेरेंसी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पे फुल कर नहीं। और दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप अपने उसकी कॉल जो लाइन है उसको आप पतला कर सकते हैं या फिर थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसको फुल पे करके अप्लाई कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, फिर बैक आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाता है ऑप्शन लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है दोस्तों। जो भी आप नोटिफिकेशन, मतलब कि जिस भी ऐप पे आप नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे ऑन किया हुआ हूँ, तो व्हाट्सएप पे जैसे ही मैसेज आएगा तो आपके स्क्रीन के साइड में एक ब्लिंक करके ऑप्शन आएगा थोड़ा सा। और यहाँ पर आप और भी कई अपने टेलीग्राम या फिर किसी भी चीज़ पर लगा सकते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम पर। और फिर दोस्तों यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। और दोस्तों डायनेमिक इफेक्ट में हम और भी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट का डायनेमिक इफेक्ट देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे कई प्रकार के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं फिंगरप्रिंट डायनेमिक इफेक्ट के लिए। तो यहाँ पे चलिए हम दोस्तों इसको अप्लाई कर देते हैं। और दोस्तों इसके बाद फिर हम बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद हमको एक और ऑप्शन दिखता है दोस्तों कि जब हम फिंगर को अपने स्क्रीन पर टच करते हैं तो किस तरह का व्यू देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं, काफ़ी कलरफुल व्यू देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं दोस्तों, और दोस्तों बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिख जाता है, यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक अलग अलग तरह का व्यू आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो भी पसंद आता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको भी अप्लाई कर देता हूँ कुछ। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों चार्जिंग एनिमेशन का ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे अलग अलग तरह के चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे। और दोस्तों फिर बैक आते हैं हम, और यहाँ पे यूएसबी का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। जब आप यूएसबी उसमें इंटर करेंगे तो फिर आपको किस तरह का व्यू आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी जो आपको पसंद हो अपने हिसाब से अप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद दोस्तों देखिए, सबसे लास्ट में आपको मिल जाता है स्क्रीन ऑन ऑफ का एनिमेशन। तो यहाँ पर दोस्तों एक सब बहुत ही गजब का लुक देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को ऑन ऑफ़ करेंगे तो मुझे ये साइड से जो ऑन हो रहा है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसको चूज़ किया हुआ है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम बैक आ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों यही आज की जो वीडियो टॉपिक थी यही डायनेमिक इफेक्ट के बारे में थी। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डायनेमिक इफेक्ट कैसा लगा।
और दोस्तों ये ज़रूर बताइए, अगर आपके पास वीवो V20 फ़ोन नहीं है तो आपके पास कौन सा ऐसा फ़ोन है जिसमें डायनेमिक इफेक्ट वर्क कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों।